हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हब पर। आज जो है वो हम जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये जो है मैंने क्वेश्चन आंसर सीधा डायरेक्ट जो है वो यूथ कॉम्पिटिशन की बुक से लिया है, जिससे क्या है कि आप लोगों को पता चल सके कि ये जो क्वेश्चन आंसर हैं वो किस ईयर में जो है वो पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ये फॉर्म में रखा है। तो अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हों और वीडियोज़ से आपकी हेल्प होती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, पांच जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, फंजाई में या फिर एनिमेलिया में। तो पांच जगत जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, तो वो किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आर एच वीटिकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था और ये इसके अनुसार जो है वो प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया है। आप पी से पी याद रख सकते हैं, पी से मतलब प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, प्रोटोजोआ को रखा गया है, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है कि यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन दिया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो यहाँ पर उसके जो सेलुलर स्ट्रक्चर है और कंपोजिशन है उसके बारे में दिया है और यहाँ पे उनकी लोकोमोशन की क्षमता को बताया गया है, यहाँ पे न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और उनके कौन कौन से मेंबर हैं यहाँ पे ये बताया गया है। तो मोनेरा में जो है वो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक और प्रमुख रूप से कैसे हैं, जो कोशिकांगक होते हैं मतलब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंस होते हैं, और ये यहाँ पे जो लोकोमोशन है वो कैसे करते हैं, फ्लैजला की सहायता से करते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस या अवशोषण के द्वारा क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, और रिप्रोडक्शन कैसा होता है, असेक्सुअल या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। इनके मेंबर कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जो है वो यूनिसेलुलर और जो यूकैरियोटिक हैं उन वो जीव हैं, समस्त जो कोशिकांगक है मतलब जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, और जो लोकोमोशन है वो यहाँ पे नहीं होता है मतलब फ्लैजला की सहायता से होता है, और जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं, और रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के द्वारा है, और प्रोटोजोआ इनका जो है फैमिली मेंबर है। नेक्स्ट है फंजाई, फंजाई मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और अन्य भी है, इसमें जो है वो जो लोकोमोशन है वो नहीं होता है, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होता है, और इनके एग्जाम्पल कौन है, फंजाई। नेक्स्ट है प्लांटी, प्लांटी में कौन है, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्लास्टिड और अन्य है, और इसमें जो है लोकोमोशन नहीं होता है, और जो पोषण है वो मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो अपना भोजन बनाते हैं, तो और इनमें जो जनन है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों होता है, और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, प्लांट हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें है एनिमल, एनिमल में क्या है, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, कोशिकांगक जो है वो उपस्थित है, प्लास्टिड जो है इनमें अनुपस्थित है, और इनमें जो गमन होता है वो पेशी जंतुओं द्वारा होता है, और ये क्या होते हैं, गमनशील होते हैं, और इनमें जो पोषण है वो परपोषण है मतलब ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्शन है मुख्यतः कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इनके एग्जाम्पल जो है कौन से हैं, एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं वो इनके एग्जाम्पल, और एनिमल्स में क्या है, हम लोग भी आ जाते हैं। तो ये तो था जो प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया जो आर एच वीटिकर ने क्लासिफिकेशन दिया था, ये उसके बारे में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा जो है वो किस जो किंगडम है उससे बिलोंग करता है, मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा या प्लांटी। तो जो माइकोप्लाज्मा है वो मोनेरा से बिलोंग करता है, आप यहाँ पे एम से एम याद कर सकते हैं, और माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक तथा एक कोश के जीवों को रखा गया है, जैसे बैक्टीरिया, रिकेट्स, माइकोप्लाज्मा, आर्किबैक्टीरिया तथा फोटोसिंथेसिस करने वाले तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन निकालने वाले बैक्टीरिया जैसे ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, आदि क्या है, सब इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बाइनोमियल नॉमन क्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाई, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, डार्विन, लीनियस, लैमार्क या क्यूबियर। तो जो बाइनोमियल नॉमन क्लेचर है, हिंदी में से बोलते हैं द्विनाम पद्धति, तो जो द्विनाम पद्धति के जनक हैं या द्विनाम पद्धति की जो खोज है वो लीनियस ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इन्हीं को जो है द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है, इनका पूरा नाम कैरोलस लीनियस है,
और इन्होंने क्या है कि जो द्विनाम पद्धति, मतलब एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम, इन्होंने दो नेम बताए हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं, और इन्हें द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। जो एनिमल्स हैं उनमें जो माउथ के अपोजिट जो ब्लास्टोपोर होता है वो डेवलप होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटोस्टोमिया, पैराजोआ या ड्यूटेरोस्टोमिया या प्रोटोजोआ। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, जो ड्यूटेरोस्टोमिया है इनको ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं, जो माउथ के अपोजिट जो डेवलप होता है वो उसे ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। इसका डिटेल में हम पढ़ लेते हैं, जंतु जो होते हैं एनिमल जिसमें जो ब्लास्टोपोर या मुख के विपरीत जो एनस का निर्माण होता है उसे ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। लगभग सभी जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर से ही मुख का निर्माण होता है, परंतु जो वर्टिब्रेट्स प्राणी होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर से क्या होता है, एनस का निर्माण होता है। तो ये चीज़ याद रखना है, कभी कभी ये ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है तो वो इनवर्टिब्रेट्स में होता है, और जो सॉरी वर्टिब्रेट्स में होता है, और जो इनवर्टिब्रेट्स में होता है वो ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो टर्म बायोलॉजी है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, एरिस्टोटल, डार्विन, लैमार्क या लीनियस। तो जो टर्म बायोलॉजी है वो लैमार्क ने दिया है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और ये जो नाम है वो अगर आपने 12th की बुक पढ़ी होगी जो हिंदी मीडियम की है और एमपी कौशिक की बुक है, उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है कि जो लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने ही क्या किया था, इस टर्म की जो है वो खोज करी थी, और फिर आगे चल के उनके शब्द और उनका मतलब बताया था। और वैसे जो अरिस्टोटल है इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, और इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, और जो लीनियस है इनको क्या कहा जाता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर। जो हर्बीवोरस सी मैमल्स होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन इसमें दिया गया है, फॉलीरोटा, सिटेसी, सिरेनिया या आर्टियोडैक्टाइला। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सिरेनिया। ये हर्बीवोरस सी जो मैमल्स हैं उनसे बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे क्या है इनके करेक्टर दिए गए हैं, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीरोस्पोंजिया बिलोंग्स टू द सब क्लास। जो प्रोटीरोस्पोंजिया है वो किससे बिलोंग करता है, फाइटोमेस्टिगोफोरा, जूमेस्टिगोफोरा, डेमोस्पोंजियल या किरेटोसा। तो जो प्रोटेरियस स्पॉन्जिया है वो जो मैस्टिगोफोरा से बिलोंग करता है, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। और इसमें क्या है, जो स्पंजी जो मैस्टिगोफोरा होते हैं वो इस फाइलम में क्या है, जो ऐड है, और ये जो फाइलम है वो किस में, प्रोटिस्टा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, वेराइटी, देयर करेक्ट सिक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट इज। हमें जो सबसे छोटा सिक्वेंस है उससे स्टार्ट करना है, तो सबसे छोटा जो सिक्वेंस होता है वो कौन सा होता है, स्पीसीज होता है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं सबसे छोटा स्पीसीज है, फिर उसके बाद जीनस आता है, फिर उसके बाद जीनस के बाद जो है वो क्या आता है, स्पीसीज, जीनस, जीनस के बाद सबसे फिर उससे बड़ा जो है वो फैमिली आता है, और फैमिली के बाद जो है वो ऑर्डर आता है, और ऑर्डर के बाद लास्ट में सबसे जो ऊपर आता है वो कौन सा आता है, वैरायटी आता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से हमें लगाना है, तो सबसे छोटे से लगाना था, स्मॉलेस्ट से लगाना था, तो स्पीसीज से आएगा, तो स्पीसीज इसमें थर्ड नंबर में थी, तो थर्ड नंबर के हिसाब से इसका पहला आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 9वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। इनमें से जो ये एनिमल दिए गए हैं इनमें से हमें सेम क्लास के एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन में डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश या फ्लैट फिश, और दूसरा दिया गया है ग्लोवॉर्म, सिल्क वॉर्म, हाउस फ्लाई या बेड बग। नेक्स्ट है सी अर्चिन, सी कोकम्बर, सी फैन या सी लाइन, और नेक्स्ट है सेंटीपीड, अर्थवॉर्म, कैटरपिलर या सिपवॉर्म। तो इसमें से जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ग्लोवॉर्म, सिल्कवॉर्म, हाउस फ्लाई और बैड बग।
जो है वो इसी जो सेम क्लास से मतलब बिलोंग करते हैं, जबकि डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश और फ्ले फिश ये जो हैं इसमें से फिशेस के बारे में बताया गया है, लेकिन ये ट्रू फिश नहीं है। यहाँ पे सिल्वर फिश को जो है वो ट्रू फिश नहीं है, और यहाँ पे जो सी अर्चिन, सी कोकम्बर और सी फैन जो है वो प्लेटीहेलमिंथीज से जो है वो बिलोंग करता है। तो इसमें जो सबसे पहला, सॉरी बी ऑप्शन है, वो सही है, तो जो ग्लो वॉर्म वो है उसको, और इसका सही राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वॉज। तो इसमें जो एनिमल साइंस की हिस्ट्री में पूछा गया है कि फर्स्ट टाइम वो ऐसा कौन सा मतलब पर्सन था जिसने जो फॉसिल्स के एविडेंस और फॉसिल्स के एविडेंस और उसको जो इवोल्यूशन है उसका मतलब इम्पोर्टेंस जो है वो बताया था, कौन से साइंटिस्ट थे। ऑप्शन ए है लियोनार्डो दा विंची, जॉर्ज क्यूवियर या डार्विन या लैमार्क। तो जो जॉर्ज क्यूवियर थे, बी ऑप्शन इसका सही है, इन्होंने ही इवोल्यूशन जो है उसके बारे में बताया था, और फॉसिल्स पर जो है वो उन्होंने स्टडी करी थी, और इन्हीं को क्या कहते हैं, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी बोलते हैं जॉर्ज क्यूवियर को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। इन निम्नलिखित में से कौन सा जो ऐसा शब्द है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है। एग्जाम्पल है पॉलीफेरा, मोलस्का, एनिलिडा या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव मतलब सभी, पॉलीफेरा, मोलस्का और एनिलिडा ये सभी जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लेशिया बिलोंग्स टू द क्लास, एप्लेशिया जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, एम्फीन्यूरा, वाइवॉल्विया, गैस्ट्रोपोडा या सिफेलोपोडा। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गैस्ट्रोपोडा से एप्लेशिया जो है वो बिलोंग करता है, और ऑक्टोपस जो है वो सिफेलोपोडा से बिलोंग करता है, यूनियो जो है वो वाइवॉल्विया से, और काइटन जो है एम्फीन्यूरा से बिलोंग करता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन, जो प्रजातियों की उत्पत्ति नामक बुक जो है वो प्रकाशित हुई थी 1809 में, 1858 में, 1956 में या 1859 में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, 1859, 1859 में जो है वो ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ये बुक जो है प्रकाशित हुई थी, और ये जो लैमार्क के द्वारा जो है वो ये प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीनियस पब्लिश्ड हिज कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम जो है प्रकाशित की थी, कौन सी बुक में प्रकाशित की थी, सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम या फिलोसोफिया बॉटनिका। तो इन्होंने जो अपनी पुस्तक है वो स्पीसीज प्लांटेरम में जो है वो प्रकाशित की थी, इसका जो है वो बी ऑप्शन सही है। इसी के साथ जो स्पीसीज प्लांटेरम जो है वो फर्स्ट बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर ऑफ फॉर प्लांट है, जो कि 1753 में जो है वो पब्लिश हुई थी। उसके बाद जो है सिस्टेमा नेचुरी है ये फर्स्ट प्रीनोमियल सिस्टम फॉर एनिमल है, जो कि जो है वो 1758 में पब्लिश हुई थी, और जो जनरा प्लांटेरम है वो कैरोलस लीनियस ने जो है वो पब्लिश करी थी। इसी के साथ फिलोसोफिया बॉटनी है ये भी कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी हुई है, इट इज़ द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ डिस्क्रिप्टिव सिस्टमिक बॉटनी एंड बॉटनिकल लैटन। तो ये जो है इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पीसीज प्लांटेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइंड बाय, जो स्पीसीज वर्ड है वो सबसे पहले किसने जो है वो कॉइंड किया था। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, जॉन रे ने जो है वो स्पीसीज नामक जो शब्द है वो दिया था, ए ऑप्शन इसका सही है। और कैरोलस लीनियस ने जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जबकि जो जे हक्सले हैं इन्होंने क्या किया था, जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार जो है वो बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री इज, द्विपार्श्वी सम्मति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं,
ऑर्थोपोडा, एनिलेडा मोलस्का या प्लेटी हेलमेंथिस, तो इसका जो है जो सबसे पहले वाइलेटरल सिमेट्री जो दिखाई एनिमल किंगडम ने वो कौन सा था, प्लेटी हेलमेंथिस, इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसमें क्या था कि जो एनिमल था वो एक्सिस से दो भागों में डिवाइड हो जाता था और जो बॉडी थी वो ऑर्गन ग्रेड लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें पाया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। इसी के साथ इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज, जो बर्गिकी के पिता हैं वो कौन से हैं, डी गंडोले, हुकर, लीनियस या फिर एरिस्टोटल। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लीनियस। लीनियस को क्या है टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो इन्हीं को बोला जाता है। और अरस्तु को तो बायोलॉजी और जूलॉजी का जनक बोला जाता है और बेंथम हुकर ने क्या किया था, जो नेचुरल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो दिया था। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टाइल द स्कल हैज सॉलिड रूफ। सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत जो थी अविच्छिन्न होती थी, अनेप्सिडा, डायप्सिडा, सिनेप्सिडा या पैरेप्सिडा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है, एनेप्सिडा, जो रेप्टाइल्स थे उनके जो एनेप्सिडा जो उपवर्ग था, सब क्लास था, उनमें जो थी उनकी जो स्कल की रूफ थी वो कैसी थी, सॉलिड रूफ थी। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू, निम्नलिखित में से, इसमें कौन सा था क्वेश्चन, ये विच इज़ ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसमें पूछा गया है पिसीज, रेप्टाइल्स, वर्ड्स आर पॉइकिलोथर्मल, नेक्स्ट है पिसीज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एनेमनियोटा, और नेक्स्ट है एवीज मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होमोथर्म, और नेक्स्ट इसमें है रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल्स आर एमनियोटा। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो डी सही है, जो रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स हैं वो सब कैसे हैं, एमनियोटा हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है यूरोकॉर्डेटा का, हेमिकॉर्डेटा का या फिर सिफेलोकॉर्डेटा का या फिर ऑल ऑफ दी एवब। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्या है कि रेट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस है वो यूरोकॉर्डेटा का विशिष्ट लक्षण है। इनमें क्या होता है कि टैडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग जो होते हैं वो संकुचित होकर पूर्णता क्या है, लुप्त हो जाते हैं। जैसे हर्डमानिया भी है इसका एग्जाम्पल है, बॉट्राइलिस है। तो ये इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट जो टेपवॉर्म है, सबसे छोटा पीतकृमी है वो कौन सा है, टीनिया, मोनोजिया या इकाइनोकोकस या कैटोगोनिया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इकाइनोकोकस जो है, इकाइनोकोकस ग्रैनुलस, इस यही जो है स्मॉलेस्ट टेपवॉर्म है और इसको हाइड्रेटेड वॉर्म या डॉग वॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीपेटस बिलोंग्स टू क्लास क्रस्टेशिया, ऑनकोफोरा, इंसेक्टा या एरेक्निडा। तो पेरीपेटस जो है वो ऑनकोफोरा से जो है वो आता है, और जो पेरीपेटस जो है वो किसके बीच की, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की जो कड़ी है, आप ऐसे याद कर सकते हैं पी से पेरीपेटस, ऑर्थोपोडा और एनिलिडा की ये बीच की क्या है, कड़ी है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास वाइवॉल्विया इज़ ऑल्सो कॉल, वर्ग वाइवॉल्विया को और क्या कहते हैं, गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, पेलिसिपेडा या एरेक्निडा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, पेलिसिपेडा। वर्ग वॉल्विया को क्या है, पेलिसिपेडा बोलते हैं, और इसके अंतर्गत जो है लामे, लिम्ब्रानकिएट भी आते हैं, और यह कैसे समुद्री और ताजे जल के मोलस्क के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कोरल, इनमें से कौन कोरल जो है वो नहीं है, पिनेटुला, ट्यूबिफोरा, ऑक्युलाइना या साइनिया। तो साइनिया जो है वो एक जो है वो कोरल नहीं है और साइनिया जो है वो एक कोरल
साइनिया कोरल नहीं है, जबकि पिनेटुला, टिब्यूफोरा और ऑक्यूलाइना जो है वो कोरल के अंतर्गत आते हैं। कोरल रीफ एक इकोलॉजिकल सिस्टम की दृष्टि से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। और ये किसके बने होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और ये सूक्ष्म जीव हैं। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो सबसे बड़ी जो है वो कोरल की एक दीवार है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्बलेंस एम्फीवियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, पदविहीन जो एम्फीविया हैं वो किस ऑर्डर में रखे गए हैं, एन्यूरा, यूरोडेला, जिम्नोफियना या नन ऑफ दीज। तो जो लिम्बलेंस एम्फीविया हैं जिम्नोफियना में रखे गए हैं। जब आप एम्फीविया का जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि एम्फीविया को कई क्लास में जो एम्फीवियंस को है डिवाइड किया गया है, तो उनमें से एक था जिम्नोफियना और ये कैसे थे, लिम्बलेंस एम्फीवियंस थे। और ये जो जिम्नोफियना ऑर्डर में जितने भी एम्फीवियंस रखे गए हैं ये बिलो में रहने वाले पादविहीन जो है वो उभयचर कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, तो जो एमनियोट्स हैं एमनियोट्स में कौन सा जो है वो शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन है एम्फीविया, वर्ड, रेप्टाइला या मैमल्स। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, एम्फीविया। एम्फीविया को जो है एमनियोट्स में नहीं रखा गया है, जबकि एमनियोट्स में कौन कौन से हैं, रेप्टिलिया, वर्ड्स या एवीज या जो मैमिलिया। तो इसको हम RVM से याद रख सकते हैं, एमनियोट्स इज इक्वल टू RVM, तो RVM से हम एमनियोट्स को याद रख सकते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है, एमनियोट्स में एम्फीविया को जो है शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट्री कैनाल इज एबसेंट इन द एनिमल ऑफ क्लास, कौन से किस या किस वर्ग के जंतुओं में जो है आहार नाल अनुपस्थित होती है, एरेक्नेडा, सेस्टोडा, ट्रिमेटोडा या निमेटोडा। तो जो सेस्टोडा है उसमें जो है वो एलिमेंट्री कैनाल और जो नर्वस सिस्टम है सेगमेंटेड, और जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एबसेंट होता है। और सेस्टोडा को नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं, ये टेपवर्म बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। जब ये परजीवी होते हैं तो इसीलिए इनको क्या है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड, अभी हमने डिस्कस किया था एमनियोटा कौन से होते हैं, RVM, जहाँ पे RVM होंगे, यहाँ पे रेप्टाइल वर्ड है, ठीक है, रेप्टाइल मैमल्स है, ठीक है, रेप्टाइल वर्ड है, मैमल्स है, ठीक है, वर्ड और मैमल्स, तो यहाँ पे तीनों पाए जा रहे हैं, रेप्टाइल, वर्ड्स, मैमल। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हॉर्न टोड बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे सिंग वाला मेडिक है तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये एम्फीवियंस है, क्योंकि एम्फीवियंस ये नहीं है, ये क्या है, रेप्टाइला है। और ये एक सिंग वाला मेडक जो है वो एक छिपकली है, जो कि जिसे फ्रेनोसोम भी कहते हैं, और ये रेप्टाइल वर्ग से जो है वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, मुख्यतः जो है वो अमेरिका और मैक्सिको में जो है वो पाई जाती है। और इनका जो माइंड होता है उन पर ये दो सींग जैसी स्ट्रक्चर निकली रहती है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर, विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीव को किस संघ में जो है वो रखा गया है। ऑप्शन इसके हैं एनिमेलिया, मोनेरा, प्लांटी और प्रोटिस्टर। तो जो प्रोकैरियोटिक है वो ओनली जो है मोनेरा में रखे गए हैं। तो मोनेरा में कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जबकि प्रोटिस्टा में आते हैं अमीबा और युगलीना इसमें आते हैं। और जबकि फंजाई में फंजाई आता है, प्लांटी में सारे जो एल्गी, ब्राइफा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आएंगे। और एनिमेलिया में क्या है, सारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे या जो जानवर होंगे उसमें हम भी शामिल हैं, एनिमल्स में, तो हम भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31, विच इज एबसेंट इन आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया में जो है वो क्या एबसेंट होता है, पॉलीसेक्राइड, पेप्टिडोग्लाइकन, लिपिड या प्रोटीन्स। तो आर्कीबैक्टीरिया जो है वो पुराने बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया से पहले के जो बैक्टीरिया थे। यहाँ आर्की का मतलब ही है प्राचीन से है, तो प्राचीन जो बैक्टीरिया थे उसमें जो बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है, सेल वॉल होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो इसी में क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन का जो है वो अभाव होता है, ये चीज़ एबसेंट इसमें होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, पौधों के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति किस पर आधारित थी, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी ट्रेंड, फ्लोरल कैरेक्टर। तो फ्लोरल कैरेक्टर जो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि लीनियस का जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो किस पर आधारित था, फ्लोरल कैरेक्टर पर आधारित था। जबकि थियोफ्रास्टस का भी था, तो उनका जो प्लांट होते हैं वो एक वर्षीय है, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय, उनका जो क्लासिफिकेशन है स्टेज पर आधारित था। तो लीनियस का किस पे था, फ्लोरल कैरेक्टर पर आधारित था, जैसे एंथर्स की संख्या हो गई या एक्स की संख्या हो गई, उसमें कार्पल कितने हैं, तो इस चीज़ पर क्या है, आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिसेंडिंग
करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑप्शन है इसमें क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, फैमिली, स्पीसीज, ट्राइब। ठीक है, क्लास तो बीस से आ नहीं सकता, जबकि डिवीजन इसके बाद नहीं आ सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। फैमिली, ऑर्डर, जीनस, ऑर्डर, इसमें ऑर्डर दो बार आया है, तो ये भी गलत है। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, ये थोड़ा ठीक है। फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, फैमिली, स्पीसीज, ट्राइब, इसमें फैमिली दो बार आ गया है, तो ये भी गलत है। इस हिसाब से क्या है हमारा जो है वो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपेंटर आंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग दिस ऑर्डर। तो बड़े ही चीटिन उनमें से किस गण का सदस्य है? न्यूरोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन, प्लेकोटोप्टेरन, हाइमेनोप्टेरन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये झारखंड में पूछा गया डाइट का पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। हम ज़्यादातर जो है क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन ये झारखंड में है तो इस पर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटेरोस्टोम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ड्यूटेरोस्टोम नहीं है? तो स्नेल, स्टारफिश, लिजार्ड या स्नेक। तो इसमें जो स्नेल जो है वो ड्यूटेरोस्टोम नहीं है, क्योंकि ये स्नेल जो है वो किस में आता है? प्रोटोस्टोमिया में आता है, और ये ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन डेपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। निम्नलिखित में से कौन से क्लास है, या कौन से प्लांट्स हैं, या कौन सा इसमें से जीव है जिसमें जो है प्रोटोजोअन्स है, जिसमें क्या है प्लांट और एनिमल्स दोनों करेक्टर आते हैं? तो वो वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स एक ग्रीन फ्लैजिलेटेड कॉलोनियल एल्गी है, जो कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, और ये एक थैलोफाइटा का मेंबर है, और ये प्लांट और एनिमल के बीच की इसको हम कड़ी भी बोल सकते हैं। तो वॉलवॉक्स इज द राइट आंसर, इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज के बारे में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 36 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, और हम जितने भी प्रीवियस ईयर हैं जूलॉजी बॉटनी, हम उसको चैप्टर वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बार जब ये जूलॉजी और बॉटनी के कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो हम जो पेपर वाइज जो है, जैसे 2011 में पूरा पेपर हुआ था, तो 150 क्वेश्चन या उसमें 120 जो क्वेश्चन रहे होंगे वो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, या केवीएस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, या पूरा पेपर जो था वो हम उस चीज़ को पेपर वाइज डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को पहले हम क्वेश्चन आंसर मतलब चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस ईयर को, फिर हम उसके बाद पेपर वाइज डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।